नमस्कार दोस्तों, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 15.2 करेंगे, जिसका कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें ज़रूरत कब पड़ी बच्चों? जब मीन डेविएशन के ऊपर लिमिटेशन लग गई, यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे मीन डेविएशन एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देने में फेल हो गया, तो वहाँ पे डिस्पर्सन को मोर एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्केयर रूट। ये देखिए बच्चों, स्केयर पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन, यानी पॉजिटिव स्केयर रूट करना है हमें, पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, यानी स्केयर ऑफ द डेविएशन। देखिए, डेविएशन लिया हमने एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन से डेविएशन लिया बच्चों, और इसका स्केयर का अर्थमेटिक मीन अपॉन एन कर दिया, उसका स्केयर रूट है हमारे पास क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है बच्चों, और वेरिएंस क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर, उसको सिग्मा स्केयर से डिनोट किया जाता है। ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई और सारे का बच्चों स्केयर रूट। अब देखिए बच्चों, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के, यह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब बच्चों, वेरिएंस निकालना हो तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर कर देना है। दूसरा बच्चों, फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, जिसका हम ज्यादातर यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की, और शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या है। फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन का? वो है हमारे पास h इंटू स्केयर रूट ऑफ समीशन ऑफ f आई यू आई, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए बच्चों, तो एफ आई नहीं लेना है, तो यू आई का स्केयर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ यू आई बाय एन सारे का होल स्केयर। वेयर व्हाट इज यू आई? वेयर यू आई बच्चों सेम रहेगा हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये है इंडिविजुअल सीरीज के लिए बच्चों। और फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास आएगा, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए हमारे पास आएगा बच्चों, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्केयर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई सारे का होल स्केयर, ये आएगा बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस अगर करना है हम, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर करेंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो 15.2 का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इससे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊं, तो एक डायरेक्ट मेथड का एक और मैं आपको फार्मूला दे देता हूं, बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। एक तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये वाला, ये मेन है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। और दूसरा, अगर हमें डायरेक्ट मेथड से बजाय इसके हम जो फार्मूला यूज करेंगे, एक आधे समय हम ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज करने वाला फार्मूला है जो डायरेक्ट मेथड में, हम कौन सा यूज करें? स्टैंडर्ड डेविएशन का, समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन सारे का होल स्केयर और सारे का स्केयर रूट।
और फ्रीक्वेंसी वाले में हम क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो हम समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई सारे का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम ये दो फार्मूले और ये जो दो फार्मूले हैं हम ये ज़्यादातर यूज करेंगे। वैसे हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये हम रेयर यूज करेंगे। ज़्यादातर हमने या तो ये अगर डायरेक्ट मेथड है तो ये यूज करेंगे, अदरवाइज शॉर्टकट में हम ये दोनों यूज करेंगे। फार्मूला याद करना बड़ा सिंपल है, बस यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में एच नहीं आएगा और यू आई की जगह हमारे पास एक्स आई का स्केयर आ जाएगा, यहाँ एक्स आई आ जाएगा और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी वाले में यहाँ पे यू आई के एक्स आई आ जाएगा बच्चों हमारे पास और एच नहीं आएगा। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास एच आ जाएगा और यू आई आ जाएगा। तो आपने ये चारों फार्मूले याद कर लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कहा है उसने फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है बच्चों हमारे पास, एक्स आई गिवन है हमें 23, 25, 26, 27, 29। ये एक्स आई गिवन है बच्चों हमें। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट फार्मूले से करवा रहा हूँ आपको, तो हमें फर्स्ट फार्मूले में एक्स बार चाहिए। एक्स बार चाहिए तो हम एक्स बार निकालने के लिए यानी मीन निकालना है तो समीशन ऑफ एक्स आई करेंगे हम लोग। इन सब का समीशन करो, 9 और 7 16 और 6 22 और 8 30, 0 और 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13, तो हमारे पास 130 आया। और मीन निकालना है एक्स बार तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई बटे एन, नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4 5, तो 130/5, 5 × 10 और 5 × 6 = 30, तो 26 आया। तो हमें फर्स्ट जो फार्मूला है इससे अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर करेंगे यानी एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे। पहले एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आएगा बच्चों हमारे पास, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार 26 है तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास 23 − 26 − 3 25 − 26 − 1 26 − 26 − 0 27 − 26 − 1 29 − 26, ये आएगा 3। तो हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर, तो इसके लिए हम इन सब का स्केयर करेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये 9, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 9। तो मुझे चाहिए क्या बच्चों, फर्स्ट फार्मूले में देखिए समीशन चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार के स्केयर का, तो समीशन करते हैं हम लोग, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार के का स्केयर। तो 9 × 1 = 10 और 10 = 20 आ गया बच्चों हमारे पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर अपॉन एन। तो बच्चों समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर क्या है और इस सारे का स्केयर रूट, तो ये है हमारे पास 20 अपॉन एन है हमारे पास 5 और सारे का स्केयर 5 4 = 20, तो 4 का स्केयर रूट आ गया हमारे पास 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया बच्चों फर्स्ट सम के लिए हमारे पास 2। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसने क्या कहा है, उसने कहा इफ सिग्मा स्केयर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सिग्मा स्केयर क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इफ ईच एन ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट टू, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कॉन्स्टेंट टू से मल्टीप्लाई करें तो पूछ रहा है देन शो दैट द वेरियंस ऑफ द न्यू सेट इज 4 × σ² जो नए सेट का जो वेरियंस है, न्यू सेट का वेरियंस कितना आएगा 4 × σ² इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय टू, इज मल्टीप्लाई
बाय टू। बच्चों ये स्टेटमेंट दे रखे मैंने, कुछ स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अब सॉल्यूशन करता हूं मैं। अब बच्चों हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, अब एन ऑब्जर्वेशन का लेट मैं मीन एज्यूम कर लेता हूं, लेट एक्स बार बी दी मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन का मैंने मीन मान लिया एक्स बार, यानी मीन का मतलब क्या हुआ, यानी एक्स बार किसके इक्वल है, एक्स वन प्लस एक्स टू, मीन ऐसे ही निकलता है बच्चों, एक्स थ्री प्लस डैश 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 प्लस एक्स एन अपॉन एन, ये एक्स बार है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय टू, इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय टू, उसने कहा है मल्टीप्लाई बाय टू, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करें बाय टू, तो न्यू मीन क्या आएगा बच्चों, न्यू मीन आएगा हमारे पास 2x1 प्लस 2x2, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दो से, 2x3 प्लस प्लस 2xn, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही रहेगी अपॉन n, यानी 2 कॉमन ले लिया, तो न्यू मीन कितना आया बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3, वही बच गया हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस लास्ट में xn अपॉन n। अब बच्चों ये क्या था हमारे पास x1 प्लस x2, ये था हमारे पास ओल्ड मीन, यानी 2x बार के इक्वल हो गया। अब हमारे पास हमें वेरिएंस निकालना है, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा बच्चों, न्यू वेरिएंस आएगा हमारे पास ईच ऑब्जर्वेशन में से, हम क्या करेंगे यानी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होता है बच्चों, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर मींस वेरिएंस, यानी स्केयर रूट नहीं लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर रूट लिखते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता, तो हम ईच ऑब्जर्वेशन में से हम मीन निकालेंगे, यानी ईच और टू प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन को हमने सपोज एक्स आई अज्यूम कर लिया, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से हम मीन माइनस करते, यानी मीन को अगर हम माइनस करते तो मीन क्या है नया 2x बार, प्रत्येक नई ऑब्जर्वेशन 2x1 2x2 2x इन 2xi मेरी नई ऑब्जर्वेशन है, और 2x बार हमारे पास मीन हो गया, और इस सारे का हम स्केयर करते अपॉन n। अब बच्चों 2 कॉमन हो गया और इस सारे का समीशन करते, अब स्केयर रूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों ये वेरिएंस है। अब 2 कॉमन हो गया, अंदर बच गया xi माइनस x बार सारे का होल स्केयर अपॉन n। अब 2 सारे से कॉमन लिया तो 2 बाहर आकर के 2 का स्केयर, क्योंकि ये सारे का स्केयर था तो 2 का स्केयर हो जाएगा, और इस सारे का समीशन 2 का स्केयर बच्चों 4 हो गया, और बच गया क्या मेरे पास, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन और इस सारे का स्केयर। अब बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार ये क्या था, एक्स आई थी मेरी पुरानी ऑब्जर्वेशन, एक्स वन एक्स टू एक्स आई थी वो, क्योंकि आई के वन टू थ्री रखेंगे तो पुरानी ऑब्जर्वेशन माइनस पुराना मीन का स्केयर, ये पुराना वेरिएंस हो गया बच्चों, यानी फोर इंटू ये पुराना वेरिएंस था, फोर इंटू सिग्मा स्केयर, तो हमने हमारे पास जो न्यू वेरिएंस आया वो कितना आया, फोर इंटू सिग्मा स्केयर, उसने ही कहा है देन शो दैट द न्यू वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट इज फोर इंटू सिग्मा स्केयर। बच्चों वैसे भी वेरियंस जब हम निकालते हैं, वेरियंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर, और वेरियंस कैसे निकलता है, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्केयर और इस सारे का समीशन अपॉन एन, ये तो हमारा वेरियंस है। अब हमारे पास जो वेरियंस, तो यानी हमारे पास सिग्मा स्केयर हमारे पास वेरियंस था एन ऑब्जर्वेशन का वेरियंस ये है, और अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को दो से मल्टीप्लाई किया तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से हम नया मीन निकालें, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे तो फिर उस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये हमने मीन माइनस किया तो हमारे पास 2 का स्केयर बाहर आ गया, और एक्स ये पुराना हमारे पास वेरियंस बन गया, तो हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था बच्चों, अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नया जो वेरियंस आएगा वो 4 इंटू सिग्मा स्केयर आएगा, तो हमारा नया वेरियंस कितना है, 4 इंटू सिग्मा स्केयर, यानी 4 इंटू ओल्ड वेरियंस। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा है द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए टेस्ट आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 50 में से बच्चों का स्कोर है बच्चों हमारे पास 28, यानी 10 स्टूडेंट का स्कोर दे रखा है, यानी ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमारे पास 10 स्टूडेंट की, क्या है बच्चों हमारे पास
28, 36, 34, 28, 36, 34, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57
ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 10 स्टूडेंट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बच्चों हमें वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये फार्मूला है, इससे मैंने आपको फर्स्ट सम करके दिखाया। मेनली अगर हम इस ये जो ये फार्मूला दिया है बच्चों मैंने स्टैंडर्ड इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इससे हम किसी भी सम को कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला सम है उसको भी हम इससे कर सकते हैं। देखिए बच्चों अब मैं आपको सेकंड फार्मूला जो हमारे पास है फॉर इंडिविजुअल सीरीज उससे भी करवा सकता हूँ, और ये जो सम है, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सम करवाया है आप उसकी तरह भी कर सकते हो इसको। आप इन सब का मीन निकाल लो, मीन निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, मीन निकालने के बाद आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे तो वैसे भी हमारे पास ही आ जाएगा। बच्चों अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से आपको करवाना चाहूंगा, मुझे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फार्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड से, वेरिएंस का फार्मूला है एच का एच इंटू यानी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर है एच इंटू समेशन ऑफ यू आई का स्केयर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन सारे का होल स्केयर। अब बच्चों और इस सारे का स्केयर रूट था लेकिन वेरिएंस है, इस सारे का स्केयर हो जाएगा यानी एच का भी हमारे पास फिर स्केयर हो जाएगा और स्केयर रूट हट जाएगा। ये है हमारे पास वेरिएंस। अब यू आई निकालना है, यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब बच्चों हमने ए यहीं से अज्यूम करना है, कोई भी वैल्यू जिसके अराउंड ये सारी वैल्यू जा रही हो, तो ये सभी वैल्यूज 35 के आसपास हैं। देखिए बच्चों क्योंकि कुछ वैल्यूज 35 से ऊपर है, कुछ वैल्यूज 35 से नीचे हैं, तो 35 को आप ए मान लें, 34 को मान लें तो वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं 34 को मान लेता हूँ। तो ए मैंने एज्यूम कर लिया 34 और एच एज्यूम कर लिया, एच आपकी हाइट होती है, हाइट ये जरूरी नहीं है कि आपकी इक्वल हाइट हो, अगर इक्वल नहीं है तो आप कुछ भी हाइट एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने हाइट को 1 एज्यूम कर लिया, एच की वैल्यू 1 ले ली क्योंकि 1 से सभी सिंपल हो जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूं तो मुझे मुश्किल हो जाएगी कई बार। ये देखिए 35 जैसे 34 माइनस 35 करूंगा यानी यहाँ पे एक वैल्यू 34 है, 35 माइनस 34 एक बटे दो लूंगा तो 1/2.5 बन जाएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अगर एच की वैल्यू 1 रखूंगा तो 35 माइनस 34 माइनस 1, माइनस 1 फ्रैक्शन में नहीं है, तो एच की वैल्यू आप वो कंसीडर करें जिससे फ्रैक्शन में ना आए, कोशिश ये कीजिए। देखिए मैंने एच की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली, तो हम ये वैल्यू पुट करो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब देखिए बच्चों एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 34 रखो यहाँ पे, तो यानी एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 34 रखो बटे एच, एच की वैल्यू 1, तो एक्स आई की वैल्यू 28 रखो, 28 माइनस 34 हमारे पास 28 माइनस 34 आएगा माइनस 6 बटे एच की वैल्यू 1 है, माइनस 6 बटे 1 माइनस 6 आ गया, 36 माइनस 34 आया बच्चों 2 और बटे एच की वैल्यू 1 है, 34 माइनस 34 आ जाएगा 0, 28 माइनस 34 अगेन हमारे पास माइनस 6, 48 माइनस 34 ये आ जाएगा हमारे पास 14 और 22 माइनस 34 आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 और 35 माइनस 34 आ जाएगा 1, 27 माइनस 34 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7, 19 माइनस 34 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15 और 41 माइनस 34 आ जाएगा हमारे पास, जब 41 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। अब हमें चाहिए क्या फार्मूले देख लीजिएगा आप, समीशन ऑफ यू आई बटे एन, समीशन ऑफ यू आई का स्केयर बटे एन यानी समीशन ऑफ यू आई का स्केयर यानी यू आई ये है हमारे पास, यू आई का स्केयर करना है हमें तो स्केयर कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा स्केयर 36, 2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0, 36 196, 12 का स्केयर हो जाएगा 144, 149, 15 का स्केयर 225 एंड 7 का स्केयर 49। अब मुझे चाहिए समीशन ऑफ यू आई यानी यू आई ये हमारे पास, इसका समीशन चाहिए, इसका सम करना है हमने,
तो ये प्लस का साथ माइनस का साथ कैंसिल, माइनस के 15 और प्लस का 1, माइनस के 14 और प्लस का 14 कैंसिल, -12 और 6 -18 और 6 -24 प्लस के 2 माइनस के 22 हो गया 22। अब समीशन ऑफ यू आई का स्क्वेयर चाहिए हमें, तो इन सबको ऐड करो, 6 और 4 10 और 6 16 और 6 22 और 4 26 और 1 27 और 9 36 और 5 41 और 9 50 0, 5 और 4 9 और 6 15 और 4 19 और 9 28 और 3 31 और 3 36 34 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 और 3 740 आ गया हमारे पास। अब बच्चों फार्मूले में रखिए आप लोग, h का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, समीशन ऑफ यू आई का स्क्वायर यानी 740 बटे n, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों हमारे पास 10, और माइनस समीशन ऑफ यू आई -22 बटे 10 और इसका स्क्वायर। तो बच्चों जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 74, माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, 4.84 हो जाएगा बच्चों। तो ये आएगा हमारे पास 10 -4 6, 9 -8 1 और 13 -4 9 और 69.16। हमारे पास वेरिएंस कितना है बच्चों 69.16। तो ये भी हमारे पास दूसरा वे है हमारे पास वेरिएंस निकालने का। सपोज हमें मीन निकालना होता, अगर मीन निकालना होता इसी मेथड से, तो मीन कैसे का फार्मूला क्या बच्चों, समी ए प्लस समीशन ऑफ यू आई बटे एन इंटू एच, यानी ए कितना है बच्चों, मैंने ए एजूम किया 34, प्लस समीशन ऑफ यू आई आया हमारे पास -22 अपॉन एन 10 इंटू एच 1। तो इस तरह से हमारे पास मीन आ जाता 34, जीरो हटी तो पॉइंट, -2.2, तो ये आ जाता बच्चों हमारे पास 31.8 मीन अगर निकालना होता। तो इस तरह से बच्चों शॉर्टकट मेथड से हम कोई भी सम बड़े इजीली वे से कर सकते हैं। बच्चों अभी इसी का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, उसमें कहा है लेटर ऑन मैक्सिमम मार्क्स वर इंक्रीज टू 100, मैक्सिमम मार्क्स 100 कर दिए गए, अकॉर्डिंगली ईच स्टूडेंट स्कोर वाज डबल, और प्रत्येक स्टूडेंट के स्कोर को डबल कर दिया गया, शो दैट द वेरियंस ऑफ न्यू स्कोर इज 4 टाइम द वेरियंस ऑफ ओल्ड स्कोर, जो नया स्कोर का जो वेरियंस है वो 4 गुना आ जाएगा जो पुराने स्कोर का वेरियंस है। तो बच्चों अगर हम इन इन मार्क्स को डबल कर दें और जो हमारे पास मैक्सिमम आस उसको उसका भी डबल करते हैं, तो जो नया वेरिएंस आएगा ना वो इसका 4 टाइम आ जाएगा बच्चों। अब दोबारा से नया वेरिएंस निकालने अगर हम लोग, वो इसका 4 टाइम आएगा, इसको डबल कर दो इन सभी मार्क्स को, तो आप देखेंगे तो इसका 4 टाइम आएगा। वैसे भी हमें पिछले समय में प्रूव भी किया, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वेरियंस 4 टाइम्स हो जाता है। तो आप करके देख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है आप, वैसे मैं क्योंकि दो, तो उसके बाद आप वेरिएंस निकालोगे तो वो जो अभी पुराना वेरिएंस है उसका 4 टाइम आ जाएगा न्यू वेरिएंस। ये आपने खुद करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बच्चों हमने, जो डाटा गिवन है, एक्स आई हमें गिवन है, एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, एफ आई गिवन है। सो एक्स आई क्या है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एफ आई क्या है बच्चों, मेरे पास 6 12 18, 6 12 18, 26 16, 26 16, 10 8। तो बच्चों हमें वेरिएंस निकालना है, तो आप लोग कैसे करेंगे बच्चों,
इसका मैं डायरेक्ट मेथड से अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर एक्स आई का स्केयर कर सकते हो, ये देखिए मैंने आपको फार्मूला दिया था डायरेक्ट मेथड में, अगर आप एफ आई एक्स आई के स्केयर को एफ आई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब एक्स आई का स्केयर करना क्या ईजी है? अगर ईजी है तो आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्टकट मेथड, आपके पास ये रहा तो आप शॉर्टकट मेथड से आप वेरिएंस निकाल सकते हो। चलो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ, और जो नया अगला सम है उसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास पहले वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखें आप। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्केयर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई सारे का होल स्केयर। बच्चों देखिए इस सारे का स्केयर रूट। डायरेक्ट मेथड कब लगता है? आप अप्लाई करो जब आपको पता है कि स्केयर आप इजिली से कर सकते हो एक्स आई का। अगर आप एक्स आई का स्केयर इजिली से कर सकते हो आप डायरेक्ट मेथड यूज करें। तो यानी पहले तो मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एफ आई एक्स आई करता हूं मैं, एफ आई एक्स आई। तो 6×6 12 दूनी 24 18 तीय 54 और 26×4 और 16×5 10×60 और 7×56 अब बच्चों अब मुझे ये तो मिल गया। अगर मुझे एफ आई एक्स आई को एक बार और एक्स आई से मल्टीप्लाई, तो एफ आई एक्स आई का स्केयर बन जाएगा। यानी एफ आई एक्स आई को अगर एक बार और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स आई का स्केयर हो जाएगा। तो यानी इस सारे का, ये एफ आई एक्स आई है, इस सारे को एक बार और एक्स आई से मल्टीप्लाई करो। तो 6×6 24×2 48 54×3 3×12 3×5 15 और 1×16 और 4×16 और 4×4 और 5×0×0 5×8 40 6×6 36 और 7×6 42 और 7×5 35 और 4×39। अब बच्चों जो फार्मूले में आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल गई। तो आपको चाहिए समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई करते हैं हम लोग। समीशन ऑफ एफ आई कितना है? 10 और 8 18 8 और 6 14 और 8 और 6 14 और 6 22 8 और 6 14 और 6 20 और 8 28 और 8 हमारे पास हो जाए 36। तो 3 और 4 5 6 7 8 9 तो 96 आया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी चाहिए, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करते हैं। 6 और 4 10 और 4 14 और 10 24 2 5 और 2 7 और 6 13 और 8 21 21 और 5 24 26 21 और 5 26 27 28 2 और 1 3 384। अब इसको करते हैं जो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्केयर। 6 और 2 8 और 8 16 और 8 24 4 बच गया 2 9 और 2 11 और 6 17 और 1 18 और 6 24 और 4 28। तो 2 3 5 और 3 8 और 8 16 और 1 17 1784। अब बच्चों सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारे पास एफ आई एक्स आई का स्केयर, यानी 1784/96 माइनस एफ आई एक्स आई 384/96 सारे का होल स्केयर। इसके बाद बच्चों देखिए ये 8 पे जाएगा, 8 8 8 2 16 और ये जाएगा 8 2 16 8 2 16 8 3 24 और ये बच्चों 96 सीधा 4 पे कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचा स्टैंडर्ड डेविएशन 223/12 माइनस 4 का स्केयर 16। अब इसमें इसको कैंसिल करो बच्चों यहाँ पे 12×12 और यहाँ पे 10 बजेगा 12×12 10 बजेगा 12 8 96 18 96 तो हमारे पास बचेगा 7। तो पॉइंट लग गया 12×5 60 10 बजेगा 12 8 96 हमारे पास और 12 8 96 और इसके बाद हमारे पास 4 बजेगा
भारतीय 36, तो भारतीय 36 ये ऐसे चलता जाएगा बच्चों। तो ये आएगा हमारे पास 2.5833, और इसका स्केयर रूट करेंगे बच्चों हम लोग। जब इसका स्केयर रूट करेंगे तो वो हमारे पास 1. जब इसका स्केयर रूट करेंगे तो 1.6 अप्रोक्सीमेटली नियरली आएगा हमारे पास। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद मैं आपको सभी सम शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा। तो मैं फिफ्थ सम करवाता हूं आपको, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स आई हमें गिवन है 5, 15, 25, 35, 45, 55, और एफ आई गिवन है हमें बच्चों, एफ आई गिवन है हमें, एफ आई गिवन है 12, 18, 27, 10, 20, 17, 6, 20, 17 और 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स आई एफ आई एक्स आई तो कर लेंगे हम, लेकिन एक्स आई का स्केयर करना मुश्किल होगा, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन एफ आई यू आई का स्केयर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई सारे का होल स्केयर, सारे का स्केयर रूट इंटू एच। तो बच्चों यू आई निकालना है, तो यू आई कैसे निकलता है हमें पता है। यू आई निकालने के लिए हम यू आई यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब बच्चों ए और एच एजूम करना है हमें, ए की वैल्यू हमें जूम कर लेते हैं 35 को या 25 को, 25 मैंने ए एजूम कर लिया बच्चों, एच एजूम कर लिया मैंने 10-10 का सेम डिफरेंस है बच्चों, अगर सेम डिफरेंस है तो एच को सेम एज्यूम करो, जो सेम डिफरेंस है वो एज्यूम करो आप। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर आपको देखना है कि ताकि फ्रैक्शन में ना आए तो क्या एच एज्यूम करें। वैसे एच ज्यादातर हम वन ही हम एज्यूम करेंगे जहाँ पे सेम डिफरेंस ना हो, लेकिन अगर डिफरेंस सेम हो तो वो जो डिफरेंस है उसको हम हाइट एज्यूम करेंगे। तो यू आई आएगा बच्चों एक्स आई माइनस ए, ए की वैल्यू 25 अपॉन एच 10। अब अगर सेम डिफरेंस होता है बच्चों तो जो ए एज्यूम किया जाता है उसके सामने 0, ऊपर माइनस 1, उसके बाद माइनस 2 और नीचे 1, 2, 3। अदरवाइज आप इस फार्मूले में पुट करो एक्स आई की वैल्यू 5 पुट की, 5 - 25 - 20 - 10 - 2, 15 पुट को 15 - 25 - 10 - 1, तो ये सेम यही आएगा। इसके बाद हमें चाहिए क्या बच्चों, एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई चाहिए आपको, एफ आई यू आई इन दोनों के मल्टी -24 - 18, ये 0, ये 20, ये 34 और ये 6, 18। अब मुझे चाहिए बच्चों एफ आई यू आई मिल गया, तो एफ आई यू आई का स्केयर, यानी एफ आई यू आई का स्केयर, तो वो क्या आएगा बच्चों, एक बार और यू आई से मल्टीप्लाई कर दो एफ आई यू आई को यू आई से, तो यानी 48 हो जाएगा, 18, ये 0, ये 20, ये 68 और 18, 54। अब बच्चों सबका सम करो, समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास आया 17, 7 और 6, 13, 13 और 7, 20 और 10, 30, 0, 3 और 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 आ गया बच्चों। और समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया, ये आया हमारे पास 8 और 4, 12, 18 से 18 कैंसिल, तो माइनस के 24 और प्लस का 10, और ये आ गया हमारे पास 30। और यहाँ पे बच्चों समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्केयर हमारे पास कितना आएगा देखते हैं, 8 और 4, 12 और 16, 12 और 16, 28, और 2 बच गया, 2 और 5, 7 और 6, 13, 14, 15, 16 और 4, 20। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एच एच की वैल्यू 10, 10 एज्यूम की है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्केयर हमारे पास है 208 बटे समीशन ऑफ एफ आई 100 माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई 30 बटे 100,
और इसका स्क्वायर। तो बच्चों 208 यानी यह आया 10 इंटू यह आया 2.08 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 0.3 का स्क्वायर 0.09 और इसको माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 इंटू 2.08 में से 0.09 गया तो ये 18 माइनस 9 बच गया, तो 9 बच गया और 1.99 और इसका स्क्वायर रूट, तो 1.99 का स्क्वायर रूट हम करते हैं बच्चों, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, तो 1.99 का स्क्वायर रूट हम करते हैं तो 99 उतारा तो 24 चौक 96 4 और 9 माइनस 3 डबल 0 उतारेंगे हम ऊपर से तो 14 28 तो 1.41 आएगा बच्चों, ये आएगा 10 इंटू 1.41 अप्रोक्सीमेटली, तो यानी 14.1 आया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद बच्चों 6th सम भी सेम है, उसमें हाइट हम 1 एज्यूम करेंगे, एच की वैल्यू 1 एज्यूम करेंगे। उसके बाद 7th 8th 9th और 10th ये सभी एक जैसे हैं, मैं आपको 10th क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी आपने खुद करने हैं। सो 10th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 10th क्वेश्चन देखते हैं, हमें एज इन ईयर दे रखी है, एज इन ईयर्स दे रखी है 10 से 19, 20 से 19, 32 एज इन ईयर्स ये दे रखी है बच्चों हमारे पास 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से हमारे पास दे रखो 49 और 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79 और 80 से 89। बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इंटरवल है कंटिन्यूस नहीं है हमें, लेकिन कंटिन्यूस बनाने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों कंटिन्यूस हम तब बनाते हैं जब हमें मीडियन निकालना हो, तो हमें मीडियन नहीं निकालना है तो हमें एक्स आई निकालने की जरूरत है, तो एक्स आई निकालते हैं हम लोग। तो एक्स आई क्या होगा बच्चों, तो एक्स आई क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का 19 प्लस 10 29/2 आएगा 14.5। इसी तरह से बच्चों इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, 20 प्लस 29 49/2 24.5। अब देखा बच्चों यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है तो 10-10 ऐड होता जा रहा है, तो इसी तरह से आगे हो जाएगा 34.5, फिर 44.5, फिर आ जाएगा 54.5, फिर 64.5 और फिर यहाँ पे 74.5 और यहाँ पे 84.5। तो एक्स आई मिलेगा हमारे पास। उसके बाद यू आई दे रखा, एफ आई दे रखा हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी 101 101, 10 17 38, 10 17 38 93 93। अब बच्चों इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे, यू आई क्या आएगा एक्स आई माइनस ए बटे एच, और ए की वैल्यू हम रखेंगे बच्चों, ए कोई भी वैल्यू रखेंगे हम बीच में से, ए हम 54.5 ले लेते हैं, 54.5 और एच ले लेते हैं हम 10-10 का डिफरेंस है सब में, तो जो ए एज्यूम किया जाए उसके सामने बच्चों 0, अगर डिफरेंस सेम है तो 0 ऊपर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 नीचे 1 2 3। अब बच्चों हमें चाहिए एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई क्या होगा, एफ आई यू आई आएगा हमारे पास इनकी मल्टी, माइनस 4 0 माइनस 2 माइनस 10 0 38 18 9। अब एफ आई यू आई का स्केयर चाहिए बच्चों, यू आई का स्केयर यानी एक बार और यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यू आई ये है, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करो, 16 0 4 ये 10 हो जाएगा, ये 0 इन दोनों की 38 18 दूनी 36 और 9 27। बच्चों समीशन ऑफ एफ आई करते हैं हम, समीशन ऑफ एफ आई, नॉर्थ इन
12 और 38 50 और 17 67 और 10 77 और 1 78 और 79 आ गया हमारे पास। समीशन ऑफ एफ आई यू आई करते हैं हम बच्चों, समीशन ऑफ एफ आई यू आई आएगा हमारे पास 10 और 2 12 और 4 16 माइनस के 16 और ये 38 प्लस के 2 बच गया 40 और 49 आ गया। और समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्केयर आया हमारे पास 7 और 6 13 और 8 6 और 7 13 13 और 8 21 और 10 31 3 बच गया 3 और 2 5 और 6 11 11 और 1 12 और 1 13। तो बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? h इनटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई सारे का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास h कितना है 10 और समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्केयर है 131 बटे समीशन ऑफ एफ आई 79 माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई 49 अपॉन 79 और इस सारे का क्या है स्केयर। तो बच्चों जब हम इसको 10 इंटू जब इसको 131 को 79 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 1.658 और जो 49 अपॉन 79 को डिवाइड करके उसका स्केयर करेंगे बच्चों, पहले इसको डिवाइड करो फिर उसका स्केयर ये आएगा 0.385। अब बच्चों 10 इंटू अब ये इसमें से इसको माइनस करो तो आएगा 1.273 और इसका स्केयर रूट आएगा बच्चों 10 इंटू 1.273 का 1.128 यानी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 11.08 तो यहाँ पॉइंट लग जाए 28 नियरली। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।